लोग अंबिकापुर से निकल चुके हैं और बहुत ही अच्छा व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चूंकि हम लोग कार में बैठे हैं, थोड़ी आप लोगों को उतनी क्लियर नहीं आ रही होगी, परंतु आप देखिए, हालांकि छत्तीसगढ़ तो पहाड़ी इलाका है और अंबिकापुर एरिया जो है, हालांकि रोड काफी खराब है जिस रोड में हम लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। धान की लहलहाती फसल, चारों तरफ हरा हरा धान की फसलें। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे इस बात को। और यहाँ पे धान की बहुत अच्छी फसल पैदावार होती है, लहलहाती फसल देख सकते हैं। क्योंकि अभी कटने में टाइम है, हल्की हल्की पीलापन आने लगी है धान की फसलों में, आपको शायद दिख रहा होगा, तो पकना अब शुरू होगा धान की फसल और नवंबर तक ये फसलें कट जाती हैं। ग्राम पंचायत पफौली हम लोग आए हैं, क्योंकि अभी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है तो हम लोग जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, तो उसी सिलसिले में हम लोग, आप देखिए कार्यालय ग्राम पंचायत बफोली, यहाँ भी एक कार्यक्रम है। चूँकि अभी लोग आए नहीं हैं तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ के पब्लिक को। अभी हम लोग बफोली ग्राम पंचायत में हैं, हमारे डॉक्टर रितेश सर और हमारे भैया, हम सभी थोड़ा सा गांव का भ्रमण कर रहे हैं। चूँकि मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है, मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के हाथ में पंपलेट और हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग दिखे तो हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोग इसके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को अवेयर करें, जानकारी दें, लोगों में जागरूकता आए। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हम लोग बैनर ओनर लेके आए हैं गांव में। बफोली से निकल चुके हैं और ये देखिए कितना सुंदर ग्रीनरी ग्रीनरी, चारों तरफ हरियाली, हरा भरा पेड़। केवल रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है, बाकी यहाँ पे हरियाली हरियाली। और हम लोग राजपुर जाएंगे, वहाँ पे और एक हमारे मित्र डॉक्टर साहब हैं, हम लोग मिलते हैं आज और दिखाते हैं कौन है, और हम लोग उसे मिलने जा रहे हैं आज। ये दुकानें आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ हरियाली हरियाली।
परमानुगंज से आता है और ये अभी हम लोग बस स्टैंड पहुंचने वाले हैं। हम लोग राजपुर बस स्टैंड आ गए हैं। अभी इकलौती बस लगी हुई है और हमारे डॉक्टर साहब की गाड़ी कोविड का अभी तक ये भी लगा हुआ है। और ये देखें बहुत ही छोटा सा बस स्टैंड है, बहुत बड़ा तो है नहीं, ये छोटा सा जगह है और सर लोग कुछ कुछ ले रहे हैं, कुछ खरीदारी कर रहे हैं। लोग देखते हैं क्या क्या लेते हैं, कुछ कुछ खरीदारी करनी। हम लोग ऐसे घूमने के मकसद से आए थे, अवेयरनेस प्रोग्राम करवाने के मकसद से। बाहर का नज़ारा भी दिखाते हैं कि बगल में एक शासकीय महाविद्यालय राजपुर दिख रहा है। यहाँ स्टैंड ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे है पढ़ने आए हैं। कर नज़ारा देखिए, क्या नज़ारा है। छोटा सा जगह है लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे VIP लोग यहाँ रहते होंगे। और यहाँ सीन देखिए, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ को काट के ये जगह बनाया गया है। यहाँ पे नज़ारा देखिए, ऐसा लग रहा है ऊपर पहाड़ है और बहुत ही सुंदर नज़ारा। और उधर गहराई नीचे जाते जा रहे हैं, वहाँ से ऊंचाई होते हुए यहाँ काफ़ी ऊंची। और ये कॉलेज भी जो है ऊंची जगह में बना हुआ है। यहाँ रांची की गाड़ी भी हमें दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए रांची की गाड़ी। और एक रायपुर की गाड़ी भी मुझे दिख गया है, ये देखिए हर तरफ के लोग यहाँ पे, ये रायपुर नंबर है। और हम लोग फिर शायद निकलने वाले हैं यहाँ से। हम लोग संदीप स्वीट्स राजपुर आए हैं और कुछ कुछ यहाँ से सामान उठा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, स्वीट्स वगैरह ले रहे हैं। खाने पीने का प्रोग्राम और ये सर लोग कुछ कुछ ले रहे हैं। ये राजपुर का आप जगह देख सकते हैं, पहाड़ी पूरा हरा भरा जगह, बहुत ही सुंदर जगह है। ये तहसील है और ब्लॉक भी है। आगे पीछे ऑफिस है जी जी, इसी गली में मेरा रूम है। हाँ हाँ, आगे गोदाम है जी जी, ये सामने कॉलेज दिख रहा है, ये सामने कॉलेज। डॉक्टर साहब कुछ बता रहे हैं। हाँ बताए, ये सामने कॉलेज है, बगल में गोदाम है जी जी, और ये हमारा सोनी होटल ढाबा यहीं पर रुकना है तुमको। ये सोनी फैमिली ढाबा है, ये आगे बलरामपुर रोड जाती है, ये बलरामपुर रोड जाती है आगे, बलरामपुर रोड होते हुए ये आगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है लेकिन आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ये कृषि मंडी सामने में, और ये बगल में शासकीय महाविद्यालय का बोर्ड लगा हुआ है जो आगे जाती है। हम लोग यहीं